मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामजिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय सियाराम। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शलोम। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी प्लीज गो अहेड। अबारो याको जाम्बो। दिस इज फॉर द व्यूअर्स इन साउथ अफ्रीका and East Africa and the continent of Africa where all Swahili is spoken beautifully. Fantastic, what a great place, what a really and truly most, one of the most beautiful continents in the world. Really and truly. So Pradeep ji, today voting, you voted? I did vote in the morning. There early goes. Morning, 8 o'clock, I went and voted. Aap dikhai sir, apni ungli dikhai please. Yes, yes, bilkul. Ungli. There it is, see, we voted. Okay, kya baat hai sahab. Hum logon ne vote kiya, ye ungli hum log apne darshakon ko nahi dikha rahe hain. Please don't. But the fact is that all of us voted. I hope all of you voted. क्योंकि इस बार प्रदीप जी महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज जरा कम रही है। 48% 48% is what is the latest figure we have received. Elections by of course it'll be corrected. What did I hear in my earpiece? Why did I hear anything? Is there something wrong? Anybody? Is something wrong? Right. And at the moment with us we have our old friend Mr. Mukesh Gandhi. Mukesh Gandhi saab from the Ajit Dala Pawar NCP. Mukesh Gandhi saab, namaskar. Namaskar, namaskar. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Aur sir, kaise hain? Sir, bas aapke raaj mein maza kar rahe hain. Sir, ye kya ho raha hai sir? Itna percentage of voter turnout itna low kyun hai sir? Matlab kya Maharashtra mein to मुझे लगता है महाराष्ट्र शुड हैव सेट एन एग्जांपल, ऑल ऑफ अस शुड हैव सेट एन एग्जांपल। मिनिमम 70-80% वोटिंग होना चाहिए था यहाँ पे। अभी जो लेटेस्ट फिगर आया वो दैट इज 48.88%। ये क्या है सर, मतलब इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुकेश गांधी साहब आप बताएं। मुझे लगता है 55 तक फाइनल राउंड में आ जाएगा ऐसा लगता है। अभी 6 बजे तो कम्प्लीट होता है, बाद में थोड़ा वोटिंग का ये आएगा, पर वोटिंग कम हो रही है वो तो हकीकत है। But why is that, sir? क्या है कि लोग तंग आ गए इलेक्शन से, इतने ज्यादा इलेक्शन से लोग तंग आ गए? क्या हुआ? दो चीजें कि ये टाइम में महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली कंफ्यूजन लेवल ज्यादा है लोगों के अंदर, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार जी ने जिस तरह से पूरा माहौल बनाया है और जिस तरह से ये दो पार्टियों के बीच में जो विखवाद और विसंवाद जो हो रहा है उसके लिए रिएक्शनरी बातें बहुत आ गई है। और एंड में राहुल गांधी ने पूरे इलेक्शन की दौर को ऐसा भ्रमित करके रखा है लोगों के अंदर कि मोदी जी का इतना प्रभावी कार्य होने के बावजूद भी, इतना कार्यक्षमता होने के बावजूद भी लोग भ्रमित हो गए हैं और टू बी एंड नॉट टू बी की पोजीशन में कभी कभी आए हैं। एक सेकंड मैं आपको रोकता हूं, एक सेकंड। ये हम लोग श्रीनगर की फुटेज क्यों दिखा रहे हो यार? हम लोग तो मुंबई में बैठे हैं ना, जरा यहाँ की भी फुटेज दिखा दीजिए। I agree, all of us love Srinagar, मतलब लेकिन फिर भी अगर यहाँ की फुटेज दिखा दें तो अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर राम नायक, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब को भी दिखा दीजिए। जी मुकेश गांधी साहब, आप बोल रहे थे कि भ्रमित करके रख दिया, एक तो वो है, साथ में शायद मौसम का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ वेदर की भी बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि सुबह बहुत गर्मी होती है सर। इट्स लाइक हॉरिबल, टेम्परेचर हैव गॉन अप टू 45 डिग्री, 45 डिग्री गया है सर कहीं कहीं। हाँ बोलिए सर प्लीज। बम्बई, पुणे, थाने ऐसे विस्तारों के अंदर जी ऐसा वेदर का इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंपेरेटिवली सब जितने भी बूथ का मैंने सर्वे किया है देवर नियरर टू योर हाउस, नियर टू योर रेसिडेंस, विद इन 5 मिनट्स वॉक के ऊपर सबके बूथ हैं। और बूथ में कई जगह पे आप देखो तो नॉर्थ मुंबई है, घाटकोपर, मुलुंड है, पर्टिकुलरली हमारे गुजराती विस्तारों में तो एसी बस का आने जाने की अरेंजमेंट की हुई है, फिर बाद में वहां फाफड़ा जलेबी का नाश्ता मिलता है। ये इतने इंसेंटिव रखे हुए हैं कि लोग वोट करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में आने चाहिए और वहां आते हैं। जो सर्टेन पॉकेट है उसमें बहुत अच्छा मतदान हुआ है, पर बाकी के पॉकेट्स में इतना मतदान स्ट्रांग नहीं हुआ है। लेकिन इस बार एक चीज देखी गई है मुकेश गांधी साहब, एटलीस्ट मुंबई में और बाकी हर जगह पे भी, इनफैक्ट जो पूरे बाकी देश से भी जो रिपोर्ट आ रही है, इस बार माइनॉरिटीज बहुत आई हैं आगे, अल्पसंख्यक पूरे स्ट्रेंथ में बाहर आए सर वोट करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ मुकेश गांधी साहब, ये जरा बताएं। ये तो देखिए ना, अभी ये इन्होंने तो मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण जबरदस्त लेवल से
महागाड़ी के पूरे ग्रुप ने किया है, इंडी एलायंस ने किया है और सभी ने किया हुआ है। इसके लिए ये ध्रुवीकरण है और हिंदुओं की कमजोरी एक ही रही है कि गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा बाला साहब ठाकरे जी लगावे या मोदी जी की भी मैसेज, अमित शाह जी का भी मैसेज जाए, फिर भी लोग जो बड़ी तादाद में हिंदुओं को जो वोटिंग करना चाहिए वो नहीं करते हैं। चलता है, होता है, क्या फर्क पड़ता है, ये जो एक टेंडेंसी है ना वो बड़ी गलत है। पर मुझे फिर भी लगता है कि मुंबई में और पूना थाना में ये टाइम में हिंदुओं का ध्रुवीकरण बहुत अच्छा हुआ है और वोटिंग बहुत अच्छा हुआ है। यू नो गांधी साहब, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, 50% ऑफ द हिंदूज डोंट वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर इवन 2019 का स्टैटिस्टिक्स लोगे, 38% भी पकड़ोगे, 38% ये भी मान ले कि पूरा हिंदू है, तो फिर भी आप ये बोल सकते हैं 50% से कम हिंदू मोदी जी को वोट करते हैं, जो हिंदुत्ववादी पार्टी समझा जाता है। तो एक आंकड़ा है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कि बाकी 50% प्लस मुस्लिम कंसोलिडेशन करेंगे तो मोदी साहब प्लस नेशनलिज्म को हरा सकता है। ये एक जबरदस्त एक आंकड़ा है, तो ये एक चिंता का विषय है मुकेश गांधी साहब। नहीं नहीं प्रदीप जी, मैं यहाँ आपके साथ थोड़ा डिफर हूं। हिंदुओं का 75-80 वोट नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, 50% का एनालिसिस जो है आपके पास मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने जो पढ़ा और मैंने जो यूट्यूब पे वगैरह पे जो रिसर्च किया है उसमें 75-80% ये टाइम में पूरा हिंदू वोटिंग नरेंद्र मोदी जी की फेवर में गया है, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव है। और मुस्लिमों का भी जो लेडीजों का जो बड़ा टप्पा है, वो बड़ा टप्पा नरेंद्र मोदी जी को इस टाइम पूरा अच्छा वोटिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुकेश गांधी साहब, अगर हम लोग लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स देखें एमवीए के, पवार शरद पवार साहब अनडिवाइडेड एनसीपी 17% वोट्स, उद्धव ठाकरे अनडिवाइडेड शिवसेना 16% वोट, कांग्रेस का 16% के आसपास, तो घूम फिर के आप यही आंकड़ा लोगे तो 48% जो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी का वोट उद्धव ठाकरे को ही जाएगा या पवार साहब का, शरद पवार साहब का वोट, तो अगर ये माने तो आपको कहां लगता है कि 48% के आसपास उनका कंसोलिडेशन है, सिंपति वेव है, जो अलग अलग तरीके आपने क्या देखा, क्या ऐसा कोई सिंपति वेव है शरद पवार के पास, पवार जी के पास या उद्धव ठाकरे जी के साथ, लोग उन्हीं को वोट करेंगे जो ओरिजिनल शिवसेना है उनके मानना है। मोदी साहब ने भले कहा कि नकली सेना है, नकली एनसीपी है। प्रदीप जी, मुझे लगता है ये जो 48% जो आपने गिनवाया लास्ट ईयर का, लास्ट इलेक्शन का कंसोलिडेटेड है, करेक्ट, उसमें से हार्डली 10% वोट ये उद्धव ठाकरे, शिवसेना और शरद पवार और कांग्रेस को मिलेगा। बाकी का 38% जो देवेंद्र फडणवीस के साथ में अजीत दादा और शिंदे ग्रुप जो ज्वाइंट हुआ है उनको शिफ्ट हो जाएगा और इसके कारण महाविकास आघाड़ी डाउन हो जाएगी और महायुति बहुत जोर में अबव 40-45 के ऊपर, अबव 45 लेके आए, अबव 45 आउट ऑफ 48। यस, मैंने पहले 45 अबव कहा था, पर अभी का जो लास्ट डेवलपमेंट जो कुछ हुआ है उसमें मैं अपना स्टेटमेंट थोड़ा अमेंड करता हूँ और अभी मुझे लगता है कि 40+ आएगी, 40+। लेकिन सर ये तो अभी आप तो ये बोल रहे हैं, हो सकता है मतलब आपके पास आंकड़े आए होंगे, आप तो बहुत मतलब आज तक आपने कोई इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आज तक कभी नहीं दिए, हमेशा यू हैव बीन वेरी बैलेंस्ड, आज तक कभी आपने कोई उल्टी सीधी बात नहीं कही है, एटलीस्ट हमारे शो में तो नहीं कही है। वैसे बाकी जगह आप क्या कहते होंगे मुझे मालूम नहीं है। नहीं नहीं, मेरा नेचर वैसे भी आप बड़ी रंगीन तबीयत के आदमी हैं, आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ सुनने को मिलता है। यू आर अ बिग भाई, यू आर अ बिग फेवरेट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। लेकिन मुकेश गांधी साहब, अभी अभी तो ये खबर आ रही है कि अजीत दादा पवार और शरद पवार के बीच में बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, हो सकता है कि दोनों पार्टीज का विलय हो जाए इस इलेक्शन के बाद, हो सकता है कि शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार की जो पार्टी है दोनों एक ही हो जाए वापस, ये सुनने में आ रहा है मुकेश गांधी साहब। अभी वो तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ओपन शिवाजी पार्क से माने उनकी सभा से कहा हुआ है, दूसरी सभा में भी मेरे ख्याल में धाराशिव की सभा में से कहा था कि भाई अभी इनको आ जाना चाहिए, अजीत पवार और शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना जो डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट राष्ट्रवादी है
उनको इसमें मर्ज होना चाहिए, अगर कांग्रेस में मर्ज नहीं होना है तो ये दोनों के साथ मर्ज हो जावे। तो ये रेफरेंस में कल कुछ डेवलपमेंट इलेक्शन के बाद होए तो मुझे बहुत विश्वास नहीं बैठता है, क्योंकि शरद पवार जी कहीं किसी के साथ मर्जिंग अभी नहीं करेंगे और उद्धव ठाकरे कभी भी अभी किसी के साथ मर्जिंग नहीं करेंगे। हमने आने वाले उल्टा हो रहा है, हमने ये सुना है कि अजीत दादा पवार वापस जा रहे हैं शरद पवार साहब के पास। कौन, अजीत पवार जी? सुनने में आया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं, एक चीज मुकेश गांधी साहब, शरद पवार जी के आज का कल का स्टेटमेंट आप देखोगे, उन्होंने कहा कि 2004 में हमारे पास कोई केपेबल कैंडिडेट नहीं था सीएम के लिए, इसलिए हमने सीएम पोस्ट कांग्रेस को दे दिया। और प्रफुल्ल पटेल जी जो हमारा आज इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो 2004 में ही चाहता था कि बीजेपी के साथ चले जाए। और आगे कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ दैट प्रफुल्ल पटेल को मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया, और मैंने यहां पर नहीं कोई ढंग का कैंडिडेट था सीएम के लिए, मैंने सीएम भले हमारा ज्यादा था हमने दे दिया। तो ये पवार साहब का जो बोलना है आप कैसे देखते हो? क्या अजित पवार जी केपेबल नहीं था? आप इसको कैसे देखते हो? किस प्रकार से कहना? भुजबल साहब बोले कि अगर किसी को मैं अपॉइंट करता पार्टी वुड बी डिवाइडेड, पार्टी वुड ब्रेक डाउन, पार्टी टूट जाता। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट गांधी साहब? नहीं नहीं, शरद पवार साहब हमेशा पहले से पुत्री मोह के अंदर पहले से ही थे, उनको आगे जाकर के उनका प्लानिंग यही था कि मुझे सुप्रिया सुले को ही, मेरी लड़की को ही चीफ मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि उस वक्त पूरा माहौल था और उस माहौल में वो अजीत पवार को या छगन भुजबल जी को, दो में से एक को वो 100% चीफ मिनिस्टर बना सकते थे, पर जानबूझ के उन्होंने कुछ पोर्टफोलियो का हिसाब किताब पकड़ के वो पोर्टफोलियो ले लिए अपनी पार्टी में एनसीपी में, और इनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया छगन भुजबल जी को, और अजीत पवार जी को बाद में बनाया। माने शरद पवार और बीच में आरआर पाटिल भी थे, भूल गए सर आप, आरआर पाटिल भी आ गए। पर ये क्या हो गया कि हमेशा शरद पवार का जो थिंकिंग है वो हमेशा डबल ट्रैक पे चलता है और वो डुप्लीकेशन करते हैं बातों का, और वो बातों का डुप्लीकेशन होने के कारण ही धीरे धीरे पार्टी में अंडर करंट जो है ना, एक विद्रोह की भावना शुरू हो जाती है, और उसको एक साल, दो साल, दस साल के बाद में जब हवा मिलती है तो अपनी नाव का सुकान चेंज हो जाता है और नाविक अलग नाव लेकर के चला जाता है, या नाव ही ले जाता है, अलग नाव नहीं है तो नाव ले गए ना, नाव लेके गए हैं। अभी देखिए शरद पवार जी को पार्टी को रिवाइव करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, इट इज नॉट पॉसिबल। मुकेश गांधी साहब, यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मे नॉट लाइक इट, बट दैट्स ऑल, देयर इज नो प्रॉब्लम सर, आई एम आस्किंग इट विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। अजीत दादा पवार साहब हो गए या आदरणीय सम्मानीय हमारे छगन भुजबल साहब हो गए? अजीत दादा पवार साहब को तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन छगन भुजबल साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत सालों से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जब से मैं एडिटर था द डेली का 1993 से लेकर के आज तक, ही इज बीन अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने उनकी स्ट्रगल देखी है, मैंने किस प्रकार शिवसेना के लोगों ने उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की, किस प्रकार की जो कुछ किया, उनकी स्ट्रगल मैंने देखी है, अंदर से बहुत बहादुर आदमी है, देयर इज नो डाउट। लेकिन आज की तारीख में अगर अजीत दादा पवार को देखा जाए या आदरणीय सम्माननीय छगन भुजबल साहब को देखा जाए, उनके खिलाफ जितने भी केस थे उनको क्लीन चिट मिल गई है दोनों को, तो अभी तो कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिससे उनके ऊपर दबाव डाला जा सके, तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है बिकॉज नाउ दे डोंट रियली नीड टू बी विद द बीजेपी, दे कैन ऑलवेज गो बैक, ऐसा कुछ है क्या मुकेश गांधी साहब? नहीं नहीं नहीं, ये रूबर रूबर टाइप की बात है, ये भ्रमित करने वाली बात है, कभी भी अभी भुजबल और अजीत पवार और हमारा ये जो पूरा अजीत पवार का गट बना है, सुनील तटकरे सब हमारे दिए, दिलीप वर्से पाटिल है और सब लोग हैं, और प्रफुल्ल पटेल का इसके पीछे बहुत बड़ा बैकबोन स्ट्रेंथ है जी, वो पूरा विजुअलाइजर करने वाले आदमी है, उसकी उड़ान हमेशा ऊंची रहती है और वो राइट एरोप्लेन को लेके जाते हैं। आई एग्री विद यू, एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस का मर्जर, फिर डी मर्जर, फिर मर्जर, बहुत लंबी उड़ान है सर। आपका जो प्रश्न का जवाब देता हूँ कि अजीत पवार और छगन भुजबल जी के ऊपर भले केस सब क्लियर हो गए, जो भी हो गया अच्छे के लिए हुआ है, पर अभी वो वापिस बैक जाएंगे और ये इनके शरद पवार के और उद्धव ठाकरे का ग्रुप के साथ में सेटलमेंट
अभी भविष्य में अगले 10 साल तक नहीं होगा, ये आप लिख के रखें। तो मुकेश गांधी साहब, आप ये बताएं, क्योंकि भुजबल साहब इसके बारे में पब्लिकली बोलते नहीं है, पब्लिकली वो कुछ नहीं बोल रहे। नासिक से वो चाहते थे दोबारा लड़ना, चुनाव लड़ना चाहते थे, वो तो उन्होंने पब्लिकली बोला है, लेकिन नासिक में 2 बार वो हार चुके हैं। वो सामने वाला भारतीय जनता पार्टी का जो एमपी है, पिछली बार तो कितने प्रदीप जी, 2.5 लाख के, 3 लाख वोट, 3 लाख वोटों से हारे थे। तो लिहाजा सीट तो बीजेपी को ही जानी थी, तो क्या उससे वो आप संतुष्ट हैं छगन भुजबल साहब, बिकॉज ही रियली वॉन्टेड फाइट फ्रॉम नासिक? नहीं नहीं नहीं, एक बात देखिए, छगन भुजबल जी ने कभी भी अपने लिए नासिक का एमपी का सीट मांगी नहीं है। He is interested to work for the Maharashtra cabinet, Maharashtra government and for the Maharashtra people in Maharashtra. तो उन्होंने मांगी नहीं थी, ये तो एक सभा थी और सभा के अंदर बात बात से निकली, तो उसमें कहा गया कि पंकज को नहीं पर छगन भुजबल जी को इलेक्शन का एमपी का सीट दे देना चाहिए, और वो बात चली 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 तो हवा चली, और उसमें मराठा लोगों ने भी अपना विरोध जताया, ये किया, और छगन भुजबल ने वाइसली अपना स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा नाम चलाया गया है, पर मैंने सामने से जाकर के कोई वरिष्ठ नेताओं को कहा नहीं है कि मुझे एमपी का इलेक्शन लड़ना है। और छगन भुजबल जी एमपी का इलेक्शन नहीं लड़े, वो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत वाइज स्टेप लिया है और हमारे महाराष्ट्र के लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे लेट्स बी वेरी क्लियर, जो जिस भी गवर्नमेंट में उनको, जो भी आज तक प्रदीप जी, जो भी आज तक उनको डिपार्टमेंट मिला है, ही हैज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। मतलब वो एक शख्स है, मुझे अभी तक याद है, वी नेवर थॉट के कोई बहुत बड़ा इशू चल रहा था, अनफॉर्चुनेटली आई कांट मेंशन इट इन पब्लिक, और हमें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, और भुजबल साहब का डिपार्टमेंट भी नहीं था। मुझे अभी तक याद है, भुजबल साहब ने आधा मिनट नहीं निकाला कंसर्न सेक्रेटरी को फोन करने के लिए, मेरे सामने की बात है, उसको फोन किया और मालूम है उन्होंने क्या कहा उनको, सेक्रेटरी का मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेटली आपको बता सकता हूं, क्लियर कट उनको बोला, तुम्हारे पास कागज और पेंसिल है, नोट करो, ये 1 2 3 4 ये करना है, मैं ये डेलीगेशन तुम्हारे पास भेज रहा हूं, आज शाम तक मुझको एक्शन टेकन रिपोर्ट दो और ये पूरा काम कल तक होना चाहिए। सर 20 साल से मैटर अटका हुआ था, भुजबल साहब ने 5 मिनट में सॉल्व करके दिया, ये तो मेरे सामने की बात है, अब आप बोलें सर। नहीं, ऐसे तो बहुत, छगन भुजबल जी का जो एक दबाव था, वो जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, तब मुझे पता है कि कितने लोगों को उसने मदद की है, कितने लोगों को, बाहर वालों का, अंडरवर्ल्ड वाले लोगों का, इनका उनका, जो दमन समन ये सब लफड़े चल रहे थे उस टाइम में, छगन भुजबल जी ने जिस तरह से ऑपरेट किया है और लोगों को मदद पहुंचाई है, वो बेमिसाल है। और दूसरी बात, कि छगन भुजबल के अंदर एक बहुत विस्तृत एक कहेंगे ना कि एक दीर्घ दृष्टा टाइप का व्यक्ति है, उसको दीर्घ दृष्टा है, वो ओबीसी का स्टैंड लेंगे पर मराठाओं का भी हित देख के काम करेंगे, वो अपनी मिनिस्ट्री में काम करेंगे। देखिए, आपने उद्धव का सक्सेसफुल स्टोरी में वो कहता है शिव थाली हमने बांटी, वो शिव थाली का मेन श्रेय तो उद्धव ठाकरे जी को जाता है, उन्होंने कितनी शिव थाली और अनाज वितरण का जो कार्य का कोरोना के टाइम में किया है वो बेमिसाल है, बहुत ही जबरदस्त काम किया वो छगन भुजबल जी ने। तो मुकेश गांधी साहब, एकनाथ शिंदे जी सेज दैट आज का दिन एक काला दिन है शिवसेना के इतिहास में, वो कोट करता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना कांग्रेस के हाथ पर मोहर लगाएगा, कांग्रेस के, बोले ये बाला साहब ठाकरे जी जो जिंदगी भर जो कांग्रेस के विरोध कर रहा था, टोटल विरोध कर रहा था कांग्रेस और एनसीपी का, आज उद्धव ठाकरे जी ने अपने शिवसैनिकों को कहा कि आपको कांग्रेस, जहां हम नहीं है वहां पर कांग्रेस पर मोहर लगाना है शरद। तो ये कैसे आप दिखते है ना, इट्स द ब्लैक डे, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं कि ब्लैक डे फॉर शिंदे जी, कहते हैं ब्लैक डे, मैं तो ये कहता हूं कि डार्केस्ट ब्लैक डे, कि उद्धव जी के फैमिली को जब मैंने सुबह टीवी पे देखा और जिस तरह से वो मत देने के लिए कांग्रेस के लिए आगे बढ़ रहे थे और कांग्रेस की ये बढ़ाने के लिए वर्षा गायकवाड़ को और अन्य उम्मीदवारों को जिताने के लिए
जिस तरह से उन्होंने जो मुसलमान भाइयों का जो तुष्टीकरण का कार्य किया है और जो काम उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है, और आज बाला साहब ठाकरे घर में होते ना तो बाला साहब ठाकरे या तो घर छोड़ के चले जाते थे, नहीं तो उसको गेट आउट कह देते। इतनी इतनी जबरदस्त मिस्टेक, उद्धव जी मेरे दोस्त हैं, मुझे ये नहीं लगता है कि उन्होंने अपने बलबूते के ऊपर, इतनी बड़ी सरकार जब बनी थी, इतने लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, तो क्यों वो एक मुसलमानों के तुष्टीकरण में और संजय राउत शरद पवार जी के चक्कर में आकर के उसने पूरा अपना हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया, अपनी जो अस्मिता थी वो अस्मिता छोड़ दी, और इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला पे उद्धव जी काम कर रहे हैं कि मुझे तो बड़ा दुख होता है कि उनको भगवान ने क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। उनका लड़का आदित्य भी होशियार है, वो तेजस भी उसका लड़का होशियार है, पूरा परिवार अच्छा है उनका। शरद पवार साहब ने आज और एक चीज, गांधी साहब उन्होंने कहा कि देखो मैंने अजीत पवार और सुप्रिया सुले में कभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, कभी एक को दूसरे से आगे नहीं, यू नो सुप्रिया को आगे मैंने और ज्यादा मान्यता दिया, ऐसा नहीं, मैंने इक्वली ट्रीट किया दोनों, सुप्रिया सुले और अजीत पवार जी का। और अभी अजीत पवार जी को मैंने क्या नहीं दिया, मंत्री पद दिया, एमपी बनाया, ऑपोजिशन लीडर का चांस दे दिया, संगठन उनके हाथ में दे दिया, सब कुछ मैंने किया, मगर अजीत पवार जी हमेशा कंप्लेन करते रहे, हमेशा कंप्लेन, बोले हमेशा इनका शुरुआत से कंप्लेन करना रहा। तो ये आलोचना अजीत पवार जी का, आप तो दोनों को बहुत करीब से देखे हैं, तो क्या अजीत पवार जी का एनालिसिस शरद पवार साहब ने जो आज कर रहे हैं वो सही है गांधी साहब? नहीं देखिए प्रदीप जी, इसमें क्या है कि कोई भी बड़ा नेता जो पार्टी का लीडर होता है वो अपने साथ में रहने वाले कार्यकर्ता को, नेता को, दूसरे जो नेता है उनके साथ में काम करने वाले अजीत पवार होंगे, छगन भुजबल होंगे, प्रफुल्ल पटेल होंगे, किसी को भी जब कोई पावर देते हैं तो पावर लेने की कैपेबिलिटी अगर उनके अंदर नहीं होगी तो वो कैसे देंगे। और वो कैपेबिलिटी ये लोग देखिए, जिस तरह से अजीत पवार ने अपना डिपार्टमेंट संभाला, जिस तरह से उस वक्त में सुनील तटकरे ने संभाला, जिस तरह से दिलीप वळसे पाटील ने भी होम मिनिस्ट्री पहले संभाली थी, और पूरा काम इन्होंने इतना अच्छा किया, और प्रफुल्ल पटेल ने तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में पूरा सिविल एविएशन का पूरा नक्शा बदल दिया, और पूरे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट, इतने हवाई जहाज, ये वो मॉडर्नाइजेशन, इतना बड़ा नाम किया है। तो वो कर्तृत्व प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, भुजबल, दिलीप वळसे पाटील और अन्य हमारे मिनिस्टरों का है, उसमें कोई शरद पवार ने किया ऐसा नहीं है। अगर ये नहीं करते तो शरद पवार कहाँ जाते थे, उनके पास उतने एफिशिएंट हैं। आज जब इनके सामने महायुति के सामने लड़ाई देनी है तब उनके पास जो टीम है वो टीम कमजोर दिखाई दे रही है, सिर्फ बड़े बड़े वाक्य बोलती है, और इतने बड़े नेता होने के बाद में उनके पास अच्छे अच्छे नेता है फिर भी आज वो रोहित पाटिल को क्यों आगे, अरे रोहित पवार को क्यों आगे कर रहे हैं, क्या दूसरे नेता नहीं है सर? बाकी नेता तो आप ले गए सर, बाकी नेता तो आप ले गए। अरे पर जितेंद्र अवार्ड है, जयंत पाटिल है, बड़े बड़े दूसरे भी नेता उनके पास में है, तो उनको सबको साइड लाइन पे आप रोहित पवार को आगे वापस बढ़ा रहे, माने परिवारवाद का इनको एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक रुआब है बस। मोदी साहब ने, मोदी साहब ने, गांधी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज कहा कि जितने दूर हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे जी गए हैं, बोले कि आज राहुल गांधी जी वीर सावरकर के बारे में नहीं बोल रहे बिकॉज चुनाव है, चुनाव है इसलिए राहुल गांधी। क्या कोई गारंटी उद्धव ठाकरे जी या शरद पवार ले सकते हैं कि कायम का राहुल गांधी जी वीर सावरकर आलोचना नहीं करेंगे? ये कौन गारंटी लेगा? नहीं ले सकते। ये आलोचना वीर सावरकर हिंदुत्व को छोड़ने वाली, महाराष्ट्र को बहुत प्रिय है वीर सावरकर, मोदी साहब ने उसी को हाईलाइट किया कि ये कौन गारंटी लेगा राहुल गांधी जी इलेक्शन के बाद, उसके बाद वीर सावरकर का आलोचना फिर से शुरू ना कर दे मोदी साहब, गांधी साहब? सही बात है आपकी। देखिए ऐसा है कि राहुल उद्धव ठाकरे जी को तो, सावरकर जी को तो सम्मान देते हैं अपनी बातों में, पर वो आज तक राहुल गांधी को कन्विंस नहीं कर सके हैं। संजय, उनके पटोले जो मिनिस्टर बने वो पहले बीजेपी में थे, वो सावरकर जी का गुणगान गाते थे, वो भी इनको कन्विंस नहीं कर सके। और अपना हिंदुत्व का, बाला साहेब ठाकरे जी का जो ओरिजिनल एजेंडा
ओरिजिनल उनकी जो स्पिरिट थी, उनका ओरिजिन जो आलेखन था, उनका ओरिजिनल जो कार्यक्रम था हिंदुओं के लिए, वो सारे एजेंडा कार्यक्रम को और सिद्धांतों को उद्धव जी ने अपने नए बनाए हुए मकान में रख दिया है। एक छोटी सी बात देता हूँ सर आपको, मुकेश गांधी सर, एक वीर सावरकर फाउंडेशन है मुंबई में, पता नहीं आप गए कि नहीं गए। मैं गया हूँ ना। हाँ, तो वीर सावरकर फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड विद मनी गिवन बाय फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स फंड व्हेन मिसेस गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड लेटर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स फंड व्हेन मिस्टर शरद पवार वॉज चीफ मिनिस्टर। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? देखो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या होता है, जब जो चीज जो ट्रस्ट जो खड़ा होता है, वो ट्रस्ट कोई भी, आप भी अच्छा कोई भी ट्रस्ट खड़ा कर लो, कल आप जवाहरलाल नेहरू के लिए एक ट्रस्ट बनाओ और कल यूपी में योगी जी को बनाए, वीर सावरकर ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, वीर सावरकर फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, वही रेफरेंस में कहता हूँ, जिसमें 2015 से लेकर के 2019 तक बीजेपी की सरकार थी, 2014 से लेकर बीजेपी, तो वहां पर एक भी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से नहीं आई वीर सावरकर फाउंडेशन के लिए। नहीं, मैं वीर सावरकर के ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है उनका नाम अभी मैं भूल गया हूँ, तो उनका तो कहना है कि ये जो भी हमारा ये वास्तु खड़ा हुआ है वो टोटली नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के सपोर्ट से हमारा ये वास्तु खड़ा हुआ है, ऐसा इनका बताना है जी। अभी आप जो कहते हैं वो रेफरेंस में ढूंढ के आपको वापिस रिप्लाई करूंगा। दैट बी नाइस सर। तो मोदी जी का आप क्या लग रहा है कि अभी विकसित, राजीव जी एक मिनट प्रदीप जी एक मिनट, राजीव जी आपकी एक बात सही है कि अगर इंदिरा जी ने या तो हमारी कांग्रेस ने उनको दी होगी जमीन और वहां बना होगा तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है। और इंदिरा जी ने चिट्ठी भी लिखी है सर, इंदिरा जी ने चिट्ठी भी लिखी है। हाँ तो अच्छा है, अच्छा वो चिट्ठी अभी तक है, उसमें इंदिरा जी ने वीर सावरकर के लिए भाषा क्या इस्तेमाल करी है, सुनिए जरा ध्यान से सुनने वाली बात। वीर विनायक दामोदर सावरकर, अदरवाइज नोन एज वीर सावरकर, इज अ प्रिंस अमंग फ्रीडम फाइटर्स, दिस इज इंदिरा गांधी लैंग्वेज सर। I only wish somebody would tell Rahul Gandhi to read his grandmother's letter about Veer Savarkar. Yes. I can only hope. वही तो बात है ना, वो इंदिरा जी थी और राहुल राहुल है। राहुल अपने एंसेटर्स को खाली डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेकर के इंदिरा गांधी के काम, राजीव गांधी के कामों को, उनके स्टेटमेंट को खाली दोहराते ना तो भी आज वो बहुत जो है उनसे बहुत बड़े नेता हो जाते थे। प्रदीप जी आपको पूछने वाले, आर्टिकल 370 को मोदी साहब कह रहे हैं कि वो दीवार को हमने कब्रिस्तान के अंदर गाड़ दिया, ट्रिपल तलाक को हमेशा के लिए तलाक कर दिया, सीएए विल स्टे सीए, कोई मैखलाल पैदा नहीं हुआ जो सीए को हटा सकता है, एक एक चीज में मोदी साहब एब्सोल्युटली स्टर्डी एकदम खड़े है कि ये जो निर्णय लिया वो राष्ट्र हित में। तो क्या ये जो निर्णय लिया है गांधी साहब इज इवेंचुअली सीइंग विक्ट्री फॉर मोदी, हैट्रिक हो जाएगा उसमें ये इश्यूज में? 100%। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस को और ये इंडिया अलायंस को, महाविकास आघाड़ी को, ये जो काम अच्छा हो गया है और जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है, राम मंदिर होगा, 370 होगा, 3 तलाक होगा और कई इश्यू है, वो सारे इश्यू में प्रोग्रेस दिखता है, लोगों के अंदर एक समृद्धि और आनंद का वातावरण खड़ा हुआ है, तो उसको आप बोलेंगे कि हम राम मंदिर को ये कर देंगे, वो पटोले जैसा आदमी ऐसा बोलता है कि हमको राम मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ये बात क्यों ये लोग करते हैं? ये बात करने से उनके पास भी जो आए वो हिंदू लोग हैं वो भी उनसे विमुख हो जाते हैं और उसका फायदा महायुति को होता है, तो ये काम भी इनको नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना है कि क्योंकि हमारे चार शंकराचार्य वहां पर नहीं गए, उनका ये कहना है नाना पटोले साहब का कि हम जो हमारे चार धर्म गुरु हैं, सबसे बड़े धर्म गुरु हिंदुओं के यानी हमारे शंकराचार्य जो हैं, उनके पास जाएंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो हुई क्या वो ठीक थी और क्या उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, ऐसा नाना पटोले साहब ने कहा है। नाना पटोले का कोई अभ्यास नहीं है, ये जो चार शंकराचार्य की जो पीठ है
वो आद्य शंकराचार्य की पीठ है और ये आद्य शंकराचार्य की चारों पीठों वाले हमेशा इंदिरा गांधी के विचारों को, उनकी इमरजेंसी को भी उस टाइम में प्रशस्ति करने वाले थे। वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं और बीजेपी आरएसएस के अगेंस्ट रहे हैं, और आरएसएस ने और हमारे जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने जिस तरह से जो आचार्यों के पास लेकर के और मंदिर का निर्माण से लेकर के उनकी प्राण प्रतिष्ठा तक का जो शास्त्रोक्त कार्य किया है ना, वो इनको 1% भी ये आद्य शंकराचार्य। सर हम तो बहुत गर्वान्वित हुए, हम तो सीधी साधी बात बोलते हैं, हम तो बड़े उत्साहित हुए, गर्वान्वित हुए 22 जनवरी को 12:22 पर जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो हुई। लेकिन जो आपने इंदिरा जी की बात करी और कहा कि ये चारों शंकराचार्यों ने उनकी उनका समर्थन किया, एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ सर। उस वक्त आरएसएस के सरकार वहां हुआ करते थे बाला साहब द्योरस, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी इंदिरा जी को एमरजेंसी का, एमरजेंसी के समर्थन में। तो ऐसा नहीं है कि हर एक ने, कि बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने एमरजेंसी का समर्थन नहीं किया। बाला साहब द्योरस की भी चिट्ठी है प्रेजिंग दी एमरजेंसी। नहीं, वैसे तो अभी ये तो ये मैंने भी सुना है, पर उस टाइम में विनोबा जी के आश्रम में भी जैसे ये इंदिरा गांधी जी गए थे तो विनोबा जी ने उनको दूसरी तरह से दूसरी बात की, तब बाहर पब्लिक में ऐसा बात हुआ, क्योंकि वो वर्धा के आश्रम में जो विनोबा जी जहाँ रहते थे और अंत में वो सूक्ष्म में चले गए थे, लोगों को मिलते नहीं थे उस वक्त में, इंदिरा गांधी जी उनके पास गए थे और वहां के लोगों ने भी यही बोला कि विनोबा जी ने जो वाक्य कहा था वो वाक्य ट्विस्ट करके इंदिरा गांधी जी ने मीडिया में रखा। सर ये तो चिट्ठी है, सर ये तो चिट्ठी है, चलिए कोई बात नहीं, सब लोग चले गए कोई बात नहीं, अभी तो मोदी जी हैं। अभी देखिए, आपके मुताबिक, आपके मुताबिक क्या बीजेपी को इस बार मुश्किल होने वाली है, क्या कांग्रेस की जो कैंपेन है, क्योंकि कांग्रेस इस बार इतनी कॉन्फिडेंट कांग्रेस मैंने कभी नहीं देखी, वेरी फ्रेंकली आपको बोल रहा हूं, क्या कांग्रेस की सीटें बढ़ने वाली हैं या कम होने वाली हैं आपके मुताबिक? नहीं देखिए, कांग्रेस ने जितना भी प्रचार, मोदी जी के एंटी प्रचार जितना भी किया है, इससे लोगों को अंदर मोदी जी को मानने वाले, हिंदुत्व की विचारधारा, सनातन विचारधारा को मानने वाले लोगों के अंदर भी एक प्रकार की दहशत हो गई है कि हमारी सीट कम हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि एंड ब्लॉक वोटिंग जो कुछ भी हुई है और वो परसेंटेज के वाइज में हमारे हिंदुओं ने भी बहुत अच्छा वोटिंग किया है, और मुसलमान भाइयों भी, मेरे कुछ दोस्त हैं वो लोग भी कहते हैं कि हमने भी मोदी जी के लिए वोटिंग किया है और पूरे सब। तो अब बीजेपी को कितनी आई है, 305, 310, 315 कितनी? लगता है नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को 350-360 के आजूबाजू में सीट आएगी। 350-360, क्या बात है सर, रियल रॉक एंड रोल। फिर उस दिन पार्टी होगी सर, मुकेश गांधी सर, उस दिन तो पार्टी बनती है। अब 400 बार पार्टी खाली राजीव जी को नहीं, पूरे नेशन नाव के सभी लोगों को हम पार्टी देंगे। मैं नेशन नाव की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑफिस को। हाँ वही वही वही, करेक्ट है, 100% जबरदस्त। आप देखना, चलिए मुकेश गांधी साहब आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास पुरुष है और वो वही इतिहास पुरुष विश्व पुरुष बन सकता है, और हम लोग उनकी गरिमा करें और आने वाली कल हमारी सबकी अच्छी हो और हमारा देश विश्व में एक बेहतर देश बने और हमारे नव युवाओं को भरपूर नौकरियां मिले, स्त्रियों को सम्मान। सबसे बढ़िया बात करी आपने कि लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, अपना हक मिले। अभी नौकरी नहीं है सर लोगों के पास, आई एग्री विद यू। सारा कार्य आप देखना, अगले 5 साल में पूरा हिंदुस्तान का, मतलब जो 10 साल में नहीं कर पाए आप 5 साल में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर, 10 साल में किया है। मोदी जी का कहना है कि 2047 for 2047 1000 साल की बात कर रहे हैं सर, और 100 दिन का रोड मैप और 25 साल का रोड मैप लेके लोगों के सामने बैठे। राइट, थैंक यू सो मच सर, मुकेश गांधी साहब, हर हर महादेव, नमस्कार। थैंक यू, भारत माता की जय, जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की जय, नमस्कार। सो प्रदीप जी, 350